हेलो स्टूडेंट्स, तो नया चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है उस चैप्टर का? गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण जब भी आप पढ़ते हुए कोई आपको पढ़ाता है तो वो न्यूटन साहब की कहानी तो सुनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। वो बैठे थे पेड़ के नीचे और वेपलेंट पे गिरा और पता नहीं क्या क्या फिर हुआ, और आज हम यहाँ पर ग्रेविटेशन उनकी वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो कहानी सुना के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे न्यूटन के ज़माने में, ठीक है। जब न्यूटन अपना पर्चा लेकर रॉयल सोसाइटी के पास गए, उन्होंने बताया कि मैंने ये काम किया है, तो वहाँ रॉबर्ट हुक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भैया ये जो आप लेकर आए हो पर्चा, इसके अंदर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप जो लेकर आए हो ये मेरी स्टडी है, ठीक है। तो उन्होंने क्लेम ठोक दिया उसके ऊपर। उन्होंने क्लेम ठोक दिया कि जो भी काम आपने किया है ये काम मैं कर चुका हूँ। ये क्या हुआ भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई, न्यूटन के लिए बहुत बेकार बात हो गई ये तो, है ना। तो फिर न्यूटन ने क्या किया और कैसे उस चीज़ से बाहर निकले, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, बीच में बताऊंगा क्या स्टडी थी, कहाँ पर किस पॉइंट पर उन्होंने कहा था, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण और देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण में नियम क्या था, क्या नियम दिया था न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के लिए, ठीक है। तो क्या नियम था भैया, देखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि आप कोई भी बॉडी ले लो दुनिया के अंदर, आप कोई भी वस्तु ले लो दुनिया में, कहीं से कहीं भी कोई भी वस्तु उठा लो, उन दोनों वस्तुओं के बीच में एक बल हमेशा लगेगा जो कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेगा, उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेगा, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। अब भैया ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया और उन्होंने यह भी कहा कि जो बल लग रहा है एक किसी ना किसी क्वांटिटी पर, किसी ना किसी भौतिक राशि पर निर्भर भी करेगा। अब वो राशियां भी उन्होंने बताई। तो उन्होंने क्या बताया कि मान लो आपके पास दो बॉडी है, मैं टॉपिक लिख दूं, पहले टॉपिक लेता हूं ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। वैसे तो आप समझदार बच्चे हो, आप आराम से लिख सकते हो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आप नहीं भी लिख सकते तो मैंने लिख दिया है आपके लिए, और यहां से आप गुरुत्वाकर्षण को कॉपी कर सकते हो टॉपिक को, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, गायब ना हो जाए कहीं कैमरे में से। नीचे लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण, देखो भाई अच्छी राइटिंग आ रही है, ठीक, चलो अच्छा देखते हैं भाई क्या कहा न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला कि आप कोई भी दो बॉडी ले लो, मैं मान लेता हूं दो बॉडी, ये छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी बॉडी ले लो, बिल्कुल बिंदुवत वस्तुएं हमने ली हैं, बिंदुवत कण हमने ले लिए हैं, उनको द्रव्यमान हमने बोल दिया है कि m1 और m2 इनका द्रव्यमान है। अगर m1 m2 इनका द्रव्यमान है और इनके बीच की दूरी है r, इनके बीच की दूरी कितनी बताई है हमने, r बता दी हमने इनके बीच की दूरी। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि भैया इन दोनों के बीच में लगेगा बल, और बल लगेगा आकर्षण वाला। कौन सा वाला? आकर्षण वाला, जिस बल से ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है भाई, करने दो आकर्षित। ये अपनी ओर आकर्षित अगर कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि बल जो है इनके बीच में ये निर्भर करेगा इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इनका जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये न्यूटन ने बताया, ठीक है। अच्छा तो उन्होंने न्यूटन ने बताया तो हमने कहा ठीक है, इसको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, इसको हम साथ में लिख देते हैं और बोल देते हैं कि ये जो है ये ऐसा 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 है, ये ऐसे ऐसे अनुपात में है, ठीक है। और फिर हमने अनुपात का चिन्ह हटाया, यहां से कर दिया जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये हमने कर दिया। और न्यूटन का नियम जो गणितीय रूप में है ये हमारे पास आ गया कि F जो है वो जी m1 m2 बटे r स्क्वायर के बराबर आएगा। अच्छा भाई यहाँ पे G क्या है, G को हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या आप हिंदी में इसको सिंपली इसको बोल सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या बोल सकते हो गुरुत्वीय नियतांक हिंदी में। आपको तो इसकी वैल्यू से मतलब होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे आई है इसकी यूनिट, ये भी देख सकते हो आप इसकी यूनिट कैसे आई है। यहां से आप इसको ले जाओगे m1 m2 को नीचे ले जाओगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे जाएगा तो kg into kg, kg का स्क्वायर, तो g की यूनिट हमारे पास
आ गई है, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो कितना आया, 6.67 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट मेरे पास आ गई, चलो अच्छी बात है। अच्छा भाई अब क्या था, अब देखो न्यूटन ने जो ये कहा था ना कि ये जो F जो है 1/r² से प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। ये हुक ने भी कहा था, किसने कहा था, हुक ने भी कहा था कि आप जो ये लिख के लाए हो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मैं पहले ही सोच चुका हूं कि ऐसा होता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी यहां पर हमारे पास ग्रह हैं, वो ग्रह जो आपस में एक दूसरे दूरी बनाए हुए हैं, अगर उनको और दूरी पर ले जाया जाए या और पास ले आया जाए, तो जैसे जैसे वो पास लेकर आएंगे तो उनके बीच में जो गुरुत्वीय आकर्षण है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर लेके जाओगे इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण घटेगा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज वाला जो बढ़ने का घटने वाला जो सीन है ये पहले बता चुका हूं मैं, तो आप गलत लेकर आए हो। अब भाई न्यूटन साहब बहुत परेशान है, क्या किया जाए इसके अंदर। तो न्यूटन साहब ने एक लेटर लिखा था क्रिस्टोफर रेन को, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट थे वहां पर, उनको लेटर लिखा था और उन्होंने अपने लेटर में ये बताया था कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं। और वो जो लेटर था और जो रॉबर्ट हुक ने जो काम किया था वो लेटर उससे पहले का लिखा गया था, तो ये चीज न्यूटन के नाम पर आई, तब ये जाके न्यूटन की चीज नाम पे आई कि उन्होंने F बराबर 1/r² F जो है वो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है, ये न्यूटन ने बताया है, नहीं तो हम क्या पढ़ रहे होते, हुक का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ हुक, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, न्यूटन साहब जीत गए और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि बोलता है F = gm1m2/r² है। तो सीधा सीधा नियम है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं किससे, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं हम इसकी किससे, हमारे स्थिर वैद्युतिकी वाले कूलाम के नियम से, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या था, F = kq1q2/r² और ये क्या है, F = gm1m2/r², ठीक है, दोनों को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, इसीलिए हम स्थिर वैद्युत के बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, ठीक है। चल देखो, तो वो क्या देता था, F = kq1q2/r², ठीक है, और ये क्या दे रहा है मुझे, F = -gm1m2/r² माइनस क्यों लगाया भाई, आप देखोगे माइनस आपने पहले तो नहीं लगाया था, माइनस लगा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो था, ये जो बल था, ये हमारे पास बल कैसा था, ये प्रतिकर्षण बल था और ये आकर्षण बल है। प्रतिकर्षण बल अगर मैं यहां मूल बिंदु मान लेता हूं तो इधर आप दिखाओगे पॉजिटिव एक्स की तरफ, और यही मूल बिंदु मानता हूं तो आप कहां दिखाओगे, इधर की तरफ, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले आपके पास थे स्थिर वैद्युतिकी में, जहां पर आपने बल निकाला था या आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था, अगर वहां पर आप हटा के माइनस जी लगा देते हो, के की जगह पर माइनस जी लगाते होते हो, क्यू की जगह पर द्रव्यमान रख देते हो, तो आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे हमारे वाले, किसके, गुरुत्वाकर्षण वाले, कि गुरुत्वाकर्षण में फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी एक एक करके एक फॉर्मूले बात करेंगे कि वहां पर ये था तो यहां पर क्या होगा। आपको लेकिन याद ही रखना है, मोटी मोटी बात ही याद रखनी है कि के को हटा के माइनस जी लगा दो, अगर आपने के को हटा के माइनस जी लगा दिया तो आपका काम समझो हो गया। तो ठीक है, देख लो भाई, आ जाओ धीरे धीरे करते हैं, एक एक चीज करते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। हम एक सवाल करके देखते हैं, चलो सवाल करके देखें। चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल है हमारा ये वाला, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, एक्स वाई तल है हमारा, ठीक है। यहां पे ए कॉमा शून्य पर और माइनस ए कॉमा शून्य पर मैंने द्रव्यमान रखा है कैपिटल एम, और यहां पे भी रखा है क्या, कैपिटल एम, ठीक है भाई। अच्छा, और यहां से कुछ x दूरी पर, यानी कि x कॉमा शून्य पर एक और द्रव्यमान रखा है छोटा सा m, ठीक है, छोटा m। अब आपसे पूछा है कि छोटा m जो है, इस छोटे m के ऊपर बल बताओ, कितना बल लग रहा होगा, बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। तो बल किस प्रकार निकालोगे आप सोचो कि मेरे पास द्रव्यमान नहीं, आवेश है, आवेश होते तो क्या करते हैं, आवेश होता बोलते कि यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, माइनस है, आप फोर्स लगाते, इधर लगता और इधर लगता और ऐसे करते और उसको क्या कर देते आप, फोर्स को जो बल था उसके घटक ले लेते, घटक एक्स में ले लेते, वाई ले लेते, वाई वाले घटक जो है वो कट जाते, ठीक है, सिर्फ एक्स वाले घटक हमारे पास बचते। तो पूरी कहानी जो हमने वहां की थी वही कहानी हमें यहां पर भी करनी है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ m और g, k की जगह पर g और m की k की जगह माइनस g और m की जगह पर m की जगह पर q हमारे पास आ गया है। तो ये सीधी सीधी बात है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने कैसे रखना है यहां पर, वैल्यू कैसे रखनी है। अब देखो ये m और m आपस में आकर्षण करेंगे, मतलब ये इसको आकर्षित करेगा, सीधी लाइन नहीं बनी हमारी, लाइन जोड़ती हुई बननी चाहिए बिल्कुल, ये आकर्षण करेगा,
ये आकर्षित करेगा। ठीक है, कैसे आकर्षित कर रहा है ये? इस प्रकार से इसको आकर्षित कर रहा है। कितने बल से कर रहा है? हम मान लेते हैं कि एफ बल से कर रहा है, और एफ का मान क्या होगा आप देखो तो जी एम एम बटे आर स्क्वायर, मान की बात कर रहा हूं, जी एम एम बटे आर स्क्वायर। और यहां से आप देखते हो इसका मान कितना आएगा, एफ बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। आर जहां पे दूरी मैंने क्या मानी है, आर दूरी ने इसको माना है, ये छोटा ये जो इधर वाली है इसको मैंने आर माना है। ठीक है, इसको हम हटा के और एक्स के रूप में बाद में लिख देंगे, तो जी एम एम बटे आर स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अच्छा, अब देख सकते हो आप कि यहां पर एफ जो है बराबर है, दोनों एफ एफ लग रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं मान लेता हूं कि एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, सब बिल्कुल एकदम ये भी बराबर बराबर, ये ए है ये है एक्स है, तो ये थीटा ही आएगा। अब यहां देखते हो कि इसके दो घटक होंगे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर वाली जगह कट जाएंगे, बना देते हैं हम इसको, ये एफ साइन थीटा और ये भी एफ साइन थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, एफ कॉस थीटा इधर से और एफ कॉस थीटा इधर से, तो कुल मिला के इधर बचेगा हमारे पास 2f cos थीटा, 2f cos थीटा, ये चाहिए भैया, ये हमारा आंसर होगा, ये बल निकालेंगे हम, ये बल का हमारा जवाब आएगा। तो वो क्या होगा देखोगे तो f कुल बल कितना आ रहा है इसके ऊपर, 2f cos थीटा, 2 इंटू एफ, एफ कहां से आएगा, एफ का क्या किया जाए, एफ का क्या किया जाए भैया, एफ को एफ का मान रख दिया जाए जी एम एम बटे आर स्क्वायर, और cos थीटा का मान रख दिया जाए, cos थीटा का मान क्या होगा देखोगे तो आप, तो x बटे आर, एक्स बटे आर, यहां से आप देखोगे तो 2 जी एम एम एक्स बटे आर क्यूब, ये आपके पास आ गया है। r का मान रखो भाई, तो r का मान रखोगे तो 2 जी एम एम बटे आर क्यूब, आर कहां से आएगा ये देखो, ये है आर, ये आर है, तो इसके लिए आप देखो ये ट्राइंगल में बना देता हूं यहां पर, ऐसे है, ये थीटा है, ये एक्स है, ये ए है और ये आर है, तो आर का मान हमें चाहिए, आर का मान क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा का मान आपने रख ही दिया था, आपको उस पर आर का मान रखना है, तो यहां पर आप रख दोगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट की पावर 3 बटे 2, तो इसको आप कैसे लिख की पावर 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 जी एम एम एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटे 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, ऐसे हम इसको कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया सवाल, हमने जो सवाल किया वो हो गया। ठीक है, कहाँ किससे किया हमने, न्यूटन के गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वीय आकर्षण के नियम पे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक सवाल किया हमने। अगला सवाल देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखें। अब जितने सवाल आपने किए थे ना उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिक में जितने भी आपने सवाल किए थे, वो सारे सवाल यहां पर बन सकते हैं, अगर चार्ज को हटा के आपके यहां पर द्रव्यमान रख दिया जाए, तो सारे जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए थे वो सारे यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात तो है नहीं, आपने कुछ ज्यादा उसमें फर्क थोड़ी आ रहा है, उसके अंदर आपने आवेश को हटा के द्रव्यमान रखा है बस। ठीक है, और के को हटा के जी रख देना, आपको तो सारा काम तो वैसे ही करना है। तो एक सवाल हम करके देख लेते हैं, देखो भाई, यहां पर रख दो एक छड़, एक रॉड पतली, बिल्कुल पतली, यहां पर आपने एक छड़ रख दी, चलो अच्छी बात है, ऐसे उसको नहीं करते हैं। और यहां से कुछ x दूरी पर इस छड़ के इस वाले सिरे से a दूरी पर ले लो, चलो a दूरी पर, इस सिरे से a दूरी पर एक द्रव्यमान हमने रखा है छोटा m। ठीक है, और ये छड़ है इसका द्रव्यमान है बड़ा m और इसकी लंबाई है l। ठीक है भाई, और लंबाई दे दी आपको, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपको बताना है कि इस छड़ की वजह से, इस छड़ के कारण इस बिंदु पर जो मास रखा है m, इसके ऊपर क्या बल लग रहा होगा, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो स्थिर वैद्युतिकी में, अगर आपने वहां ढंग से किया होगा तो यहां आपको आधे सेकंड से ज्यादा, आधे मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जल्दी से कर दो इसको, जल्दी से कर दो। ठीक है, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, फिर देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं इसको देखो। मैंने क्या किया है, मैं यहां से चलता हूं एक्स दूरी, यहां से चलता हूं मैं एक्स दूरी, और dx का एलिमेंट ले लेता हूं, और क्या ले लेता हूं, यहां एलिमेंट ले लेता हूं dx, x दूरी चल के dx का एलिमेंट अगर ले लिया जाए तो क्या करोगे भैया, तो कैसे करोगे,
ये जो dx का एलिमेंट है इसका अगर मुझे पता करना हो कि द्रव्यमान कितना होगा तो उसका द्रव्यमान होगा dm, और इस dm का मान क्या होगा, इस dm का मान होगा m बटे l dx, m बटे l dx, क्योंकि ये जो छड़ मैंने ली है वो एक समान द्रव्यमान की है, मतलब एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है यहां पर, ठीक है। तो m बटे l dx मेरे पास ये आ गया है। अगर m बटे l dx मेरे पास यहां से ये आ गया है तो हम क्या करें भाई, हम लिख सकते हैं इस छोटे से dm की वजह से यहां पर जो फोर्स आएगा, इस छोटे से dm की वजह से यहां पर जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा, वो इधर की तरफ आएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे छोटा सा df बराबर g dm इंटू m बटे, कितनी दूरी है, दूरी कितनी है, x दूरी ली है हमने तो x स्क्वायर, ठीक है, यहां से हमने x दूरी ली है, ये x लिखना हम भूल गए हैं, ये x दूरी हमने यहां से ली है, तो g dm m बटे x स्क्वायर हमारे पास आ गया। चलो यहां से हम क्या क्या बाहर ले सकते हैं, उसको बाहर ले लो, g को हम बाहर ले सकते हैं और m को हम बाहर ले सकते हैं, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, समाकलन करूं इसका, तो मुझे कुल बल मिल जाएगा रॉड की वजह से, छड़ की वजह से। और कहां से कहां तक समाकलन करना पड़ेगा देखोगे अगर आप यहां से, तो यहां पर x की मान क्या है, यहां पर x का मान क्या है a, और यहां पर x का मान क्या है a प्लस l, ठीक है। यहां से जहां पर जब आप हो तो कितनी दूरी पर हो, a दूरी पर, और जब इस सिरे पर हो तो कितनी दूरी पर हो, a प्लस l दूरी पर, ठीक है। तो कहां से कहां चलना पड़ेगा हमें, हमें चलना पड़ेगा a से लेकर a प्लस l दूरी तक, ये हमारी सीमाएं हो जाएंगी। अगर इसको हम समाकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, जी एम एक्स स्क्वायर का समाकलन आपका माइनस एक बटे एक्स आ जाएगा, कहां से कहां तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक, माइनस में बाहर ले लेता हूं, माइनस जी एम एक बटे ए प्लस एल माइनस एक बटे ए, ये हमारे पास आ जाएगा यहां से, ठीक है। कुछ हाँ अच्छा पूरी गड़बड़ हो गई यहां पर, यहां पे डीएम जो हमने हटाया है, डीएम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर dx इंटू एम बटे एल, ठीक है, m बटे एल हमने रख दिया है dm की जगह पर, जो कि बाहर आ जाएगा जी एम एम बटे एल, यहां पर भी जी एम एम बटे एल, ये आ जाएगा एक बटे ए प्लस एल माइनस एक बटे ए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हल करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या लिखोगे, माइनस जी एम एम एल बटे ए माइनस ए प्लस माइनस एल बटे ए इंटू ए प्लस एल, कितना आ जाएगा, जी एम एम बटे ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए, ये आ जाएगा आपके पास बल, इतना बल लगेगा इसके ऊपर, इस मास के ऊपर, इस द्रव्यमान के ऊपर, इस छड़ के कारण, ठीक है, इतना बल लगने वाला है, ठीक है। तो एक सवाल हमने ऐसा भी किया था स्थिर वैद्युतिकी में, जो कि हमने वापस यहां पर कर लिया है, ठीक है। और चीजें देखते हैं आगे, एक सवाल और अगर करना चाहते हो तो कर ही लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ठीक है, और आपको समय दे रहा हूं, समय क्या दे रहा हूं, वीडियो पॉज करना है आपको और आगे करना है। सवाल क्या कह रहा है, बहुत आसान सवाल देते हैं आपको, बिल्कुल एकदम हलवा, लेकिन करना है आपको जल्दी से। चार द्रव्यमान रख दें, एम एम M और M, ठीक है, चार द्रव्यमान हमने यहां पर रख दिए हैं। आपको पता करना है, क्या पता करना है, आपको पता करना है कि इनमें से किसी भी तीन की वजह से चौथे पर क्या बल होगा, इनमें से किसी भी तीन की वजह से चौथे के ऊपर क्या बल होगा, यह चीज आपको पता करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर हम इसको करते हैं वापस से अभी, चलो जल्दी करो। तो भाई कैसे किया आपने, कर पाएगा आप इसको, देखो मैं कर लेता हूं, अगर आपने नहीं किया तो आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, देख लो आप कैसे हम इसको करते हैं। देखो भाई, अच्छा हम मानते हैं कि इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, कि हम इसके ऊपर इसके ऊपर इसकी बात कर रहे हैं कि हम ये वाला जो द्रव्यमान है इस पर कैसे कैसे फोर्स लगेगा। तो देखो एम की वजह से इधर फोर्स लगेगा इस पर, इस वाले एम की वजह से इधर फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है, और इस वाले एम की वजह से इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के तरफ इस पर फोर्स लगेगा, इसके अनुदिश लगेगा। ये तीन फोर्स आपने देख लिया, तीन बल इसके ऊपर लगने वाले हैं, इधर से लगने वाला है, इधर से लगने वाला है, इधर से लग रहा है। इनका हम मान देखते हैं एक बार कि इनका मान क्या क्या आने वाला है। तो इसका मान देखो आप, तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इनके बीच की दूरी मान लेते, हमने मान लेते हैं कोई भी, मान लो ए, मान लो कि इसका जो ये वर्ग है, इसकी जो दूरी है, जो इसकी लंबाई है वो ए है, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, जी एम एम बटे ए स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास इन दोनों के बीच में बल, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ F। इसी तरह इसके बीच में बल क्या आएगा, F बराबर जी एम एम बटे ए स्क्वायर, दोनों के बीच बराबर आया, ठीक है, क्योंकि बराबर दूरी पर हैं। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है, ये दोनों ए हैं, अगर ये दोनों ए हैं तो ये दूरी कितनी होगी, रूट टू ए, अगर ये रूट टू है तो ये वाला जो बल है इसका मान क्या आने वाला है, इसका मान आने वाला है आपके पास, इसको मान लेता हूं मैं एफ डैश, एफ डैश क्या आने वाला है, जी एम एम बटे रूट टू ए का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा, जी एम एम जी एम स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर, F1 क्या आया, जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, F क्या आया, जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये वाला भी जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और F डैश क्या आया, जी एम स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है, रूट टू ए का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो कुल बल पता करना है इसके ऊपर, तो कुल बल किस प्रकार हम पता करेंगे, तो कुल बल हम कैसे पता कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कुल बल निकालने के लिए हमारे पास ये बल और ये बल जो है, इन दोनों का अगर मैं योग निकालता हूं तो वो इस दिशा में आएगा, वो इसी दिशा के पैरेलल आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, बराबर बराबर एंगल में 45 पे, बराबर बराबर फोर्स है, बराबर बराबर फोर्स है, तो 45 डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा, ये भी 45 डिग्री पे है, तो दोनों समान दिशा में हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से फोर्स आएगा, ठीक है, एक तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, और दूसरा जो आने वाला है उसका मान क्या होगा, जी एम एम बटे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस जी एम एम, या जी एम एम क्यों लिखा हूं मैं इसको, जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इन दोनों का योग और इसका रूट, तो ये कितना आ जाएगा, रूट टू जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रूट टू जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। पहले से हमारे पास एक बल और था जिसका मान जी एम स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर था, ठीक है, ये दोनों बल हमारे पास आ गए हैं, तो कुल बल जो होगा वो इनका योग होगा, इनका योग करने के लिए आप सीधे सीधे इसको जोड़ दो, क्योंकि दोनों समान दिशा में हैं, एक ही तरफ अनुदिश हैं, तो क्या बोल सकते हैं हम, तो जी एम स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर प्लस रूट टू जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो कितना आएगा, जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक बटे दो प्लस रूट, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक बटे दो प्लस रूट दो, ये इसका जवाब होगा, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है, तो ये देखो आप ये कर पाए नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो आपने मतलब स्थिर वैद्युतिकी वाला जो चैप्टर है उसमें जो हमने ये सवाल किए थे वो सही से नहीं किए हैं, ठीक है, तो उनको भी सही से करो और इसको भी सही से करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या देखो, अगला टॉपिक देखो, अब देखते हैं हम, जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी, वैसे ही एक गुरुत्वीय क्षेत्र की बात भी हम करेंगे। विद्युत क्षेत्र जो था हमारे पास, ये था, ये वो क्षेत्र था जहां पर आवेश की उपस्थिति के कारण बल को प्रभावित, बल का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, ठीक है, वो क्षेत्र जहां पर बल प्रभाव कर किया जा सकता है, किसकी वजह से, आवेश के कारण, ठीक है, अगर इसको मैं बदल देता हूं हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से, तो वो क्षेत्र जहां पर हम बल का प्रभाव महसूस कर सकते हैं, जहां पर कोई भी वस्तु बल का प्रभाव महसूस कर सकती है, किसकी वजह से, द्रव्यमान की उपस्थिति की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र, क्या कहते हैं उसको, गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, कैसे इसको कैसे डिफिनेशन करोगे, जैसे कि आपने उसके अंदर किया था, आपने बोला था कि E जो होता है वो F बटे Q के बराबर होता है, F बटे Q नॉट के बराबर होता है, यहां पे हमने Q नॉट क्या लिखा, Q नॉट क्या लिया था, परीक्षण आवेश, क्या था ये, एक परीक्षण आवेश था, ठीक है भाई, परीक्षण आवेश था, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड, या गुरुत्वीय क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी से, किसको, किससे दिखाते हैं हम इसको, छोटे जी से, और इसको हम लिखते हैं एफ, जो कि इनके बीच में गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको हम किससे भाग करेंगे, एम नॉट से। अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं, परिभाषा देखना चाहते हैं हम, तो हम बोलेंगे मान लीजिए मेरे पास कोई एक द्रव्यमान है एम, ठीक है, एम द्रव्यमान है मेरे पास, और मैं उससे आर दूरी पर, कुछ आर दूरी पर एक और द्रव्यमान रखता हूं एम नॉट, एक और द्रव्यमान रखता हूं m नॉट, तो m की वजह से m नॉट पे जो बल होगा वो क्या होगा, जी एम एम नॉट बटे आर स्क्वायर,
जी एम एम नॉट बटे आर स्क्वायर। और इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, हमने बोला है कि एम नॉट का मान अगर एक किलो हो जाए, अगर एक किलो हो जाए तो इस एक किलो के ऊपर जो बल लगा रहा होगा दूसरा द्रव्यमान, उसको हम वहां पर उसका विद्युत क्षेत्र, वहां पर उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जी जो होगा वो एफ बटे एम नॉट के बराबर होगा। ठीक है, या तो एम नॉट का मान आप एक किलो रख दो या एम नॉट से उसको भाग कर दो, बात तो बराबर ही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र का, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया जी एम बटे आर स्क्वायर कैसा आया। अब हम निकालेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र अलग अलग आकारों के कारण। ठीक है, अलग अलग आकारों के कारण पता करेंगे कि क्या गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, और उसको हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे जो हमने स्थिर विद्युत में पढ़ा है, आवेशी कारण जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आता है उसी को हम कंपेयर करेंगे किससे, गुरुत्वीय क्षेत्र के फॉर्मूलों से। ठीक है, जो आपसे बोल रहा था स्टार्टिंग में कि हम अभी फॉर्मूले कंपेयर करके निकालेंगे, उसको हम इसके अंदर अभी करने वाले हैं। तो हमने आपको बता दिया कैसे करना है। इससे पहले हम एक छोटा सा एक सवाल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सवाल पूछा जाए कि गुरुत्वीय क्षेत्र पता करो, वैसे तो बहुत कमी से ऐसा सवाल पूछा जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं पूछा जाता आपसे। ठीक है, बल पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है, आपको ये बिंदुवत द्रव्यमानों की वजह से पूछ लिया जाता है, तो आप निकाल सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल यह है कि एक ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर एम एम रखे हैं दोनों जगह पर, एम और एम रखे हैं। ठीक है, और यहां पर आपको ये पॉइंट है, ये द्रव्यमान नहीं है, यहां पर ये पॉइंट है, पॉइंट पी। यहां पे पता करना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा, यहां पे पता करना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र का मान क्या होगा, या डायरेक्शन में बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, कैसे कैसे निकाल सकते हो आप इसको। तो आप बोलोगे कि हम मान लेते हैं कि यहां पर एक किलो का एक द्रव्यमान रखा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने मान लिया एक किलो का द्रव्यमान रखा है, तो इसकी एक किलो के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो इस तरफ आएगा, वो इधर कुछ आएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर कुछ आएगा। ठीक है, ये फोर्स इधर इधर आएंगे भाई। ठीक है, अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हो कि इनका जो कुल बल आएगा वो कुछ इस लाइन पे आएगा। कैसे आएगा भाई, वो देखने वाली बात है। ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो एंगल 60 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, इनका मान अगर मैं देखता हूं तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा जी, छोटा जी बराबर जी एम बटे ए स्क्वायर। अगर मैं इसको ए ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं मेंशन नहीं करता हूं तो अपने आप से संभव त्रिभुज या वर्ग के अंदर जो साइड है उसको ए ले लिया करो। ठीक है, चलो, तो ये जीएम बटे ए स्क्वायर आएगा, ये इसका मान भी क्या आएगा, जीएम बटे ए स्क्वायर, जीएम बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये एंगल आपने बोल दिया कि 30 डिग्री है, ठीक है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, अगर दोनों 30 डिग्री हैं तो आप कह सकते हो कि ये जी कॉस 30 होगा, ये भी जी कॉस 30 होगा, तो नीचे की तरफ जो आएगा वो 2g cos 30 हो जाएगा। तो जी नेट की बात करूं, कुल जी जितना आ रहा है वो 2g cos 30 के बराबर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर वाला जो घटक आएगा, ये जो घटक आएंगे आपके पास जी साइन 30 और जी साइन 30, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, जी कॉस 30 और जी कॉस 30 जुड़ जाएगा, जो कि 2g cos 30 इसको बना देगा। तो जी का मान आपको पता है, जी का मान क्या है, बड़ा जी छोटा एम बटे ए स्क्वायर, कॉस 30 का मान आप रख दोगे, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, रूट 3 जीएम बाय ए स्क्वायर, ये दो से दो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, रूट 3 जीएम बटे ए स्क्वायर, ये आपके पास मान आ जाएगा। अब देखो, ये जी और ये जी में कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल जी जो है ये तो नियतांक है, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक है, और ये जी जो है ये इसका क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसी को हम जानेंगे अभी गुरुत्वीय त्वरण के नाम से भी आगे चलकर, लेकिन अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, अभी गुरुत्वीय क्षेत्र ही हम उसको बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र को हमने किससे दिखाया था, ई से दिखाया था, और गुरुत्वीय क्षेत्र को हम किससे दिखा रहे हैं, जी से। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, वहां पर ईजी था, कई जगह पर इसको ईजी दिखा देते हैं, जी या फिर ईजी, छोटा सा जी लिख देते हैं नीचे, ऐसे भी इसको दिखा देते हैं, अगर ऐसे भी कहीं पे दिखा रहा है तो उसके अंदर भी कोई गलत बात नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सवाल कराया, अब हम चलते हैं आगे फॉर्मूले पे, बात करते हैं कि कैसे कैसे हम फॉर्मूले निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं छड़ की। एक अगर हमारे पास छड़ हो, इस प्रकार रखी हो, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपका जो स्थिर विद्युत की है वो भी इसके अंदर रिवाइज होने वाला है अभी, अगर आपको आता होगा तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, नहीं आता होगा तो आप देखोगे बस बैठ के। ठीक है, इसमें मान लेते हैं हम प्लस 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 आवेश है जो कि एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पर
यहाँ से कुछ दूरी पर थीटा वन एंगल ये बना रहा है और थीटा टू एंगल ये बना रहा है, दूरी है r, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पे, तो आप झट से बोल दोगे अगर आपको याद होगा कि यहां पर इस तरफ जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो के लैम्डा बटे आर आएगा इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और यहां पर विद्युत क्षेत्र आएगा एक घटक इधर आएगा के लैम्डा बटे आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये दो घटक आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा ये तो बात की हमने इलेक्ट्रिक की, विद्युत क्षेत्र की, है ना। अब हम बात करते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की। अब गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा, कैसे निकालो गुरुत्वीय क्षेत्र, तो ये आपका छड़ है एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है इसमें, एक समान रूप से द्रव्यमान इसमें वितरित है छड़ में, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, लैम्डा, इसका हम लिख देते हैं यहां पे जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, एम बटे एल के बराबर है, ठीक है। और यहां पर जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, क्यू बटे एल के बराबर है, जहां पे क्यू इसके ऊपर कुल आवेश है, जहां पे एम इसका कुल द्रव्यमान है, ठीक है। इसकी वजह से हम पूछते हैं कि कितना आने वाला है, तो आप बता पाओगे कि अगर मैं आर दूरी की बात करता हूं, आर दूरी को आप ऐसे बना लेते हो, एंगल वेंगल बना लेते हो, तो एंगल बोलते हो कि ये थीटा वन एंगल है, ये थीटा टू एंगल है, ठीक है। यहां आपसे पूछा जाता है कितना इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र होगा, तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट पर इसकी से अंदर की तरफ एक घटक आएगा, अंदर की तरफ एक घटक आएगा, ठीक है, और कहां आएगा, ऊपर की तरफ एक घटक आएगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा के लैम्डा बटे आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और इसका मान क्या होगा, के लैम्डा बटे आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, cos theta 2 माइनस cos theta 1, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये होता है, ठीक है। k lambda बटे r sin theta 1 प्लस sin theta 2 और k lambda बटे r cos theta 2 माइनस cos theta 1 इस फॉर्मूले में निकलेगा, जहां पे lambda क्या है, m बटे l है, और यहां पर lambda क्या है, q बटे l के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चली इस फॉर्मूले से, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था उसको हमने रिप्लेस करके किसका बना दिया, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर अनंत छड़ होती थी तो कोई फॉर्मूला लिखा था हमने, अनंत छड़ होती है, जल्दी से आप लिख दोगे अगर तो अच्छी बात रहेगी। अनंत छड़ होती थी उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, अनंत छड़ ले लेते हैं हम, ये प्लस 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 आवेश है इस अनंत छड़ पे, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो हम कितना आता था, टू के लैम्डा बटे आर, ठीक है, जो कि आर इसकी दूरी यहां से है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जब बात करोगे तो आपको एक अनंत छड़ लेनी पड़ेगी, अनंत छड़ की जब आप बात करोगे तो उसका लैम्डा होगा, लैम्डा क्या होगा, एम बटे एल के बराबर होगा, यहां पे लैम्डा क्या होगा, क्यू बटे एल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे किसी बिंदु पे आप बात करते हो आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु अगर होगा तो उसकी वजह से जो विद्युत, जो गुरुत्वीय क्षेत्र आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और वो कितना होगा, 2k lambda बटे r के बराबर आएगा, 2k lambda बटे r के बराबर यहां से हमें मिल जाएगा। आओ नेक्स्ट करें, वलय की चर्चा करते हैं, वलय के ऊपर कैसे आएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र किस प्रकार से निकलेगा वलय में, ठीक है। वलय का निकाल लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, वलय का निकाल के देख लेते हैं। ये आपका वलय है जिसके अक्ष पे यहाँ से एक लेते हैं एलिमेंट dl, ठीक है, यहाँ से x दूरी पर आपको निकालना है कि कितना क्षेत्र होगा x दूरी पर पॉइंट P, ठीक है। और आपको क्या दिया है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपको दी है कि r है, त्रिज्या आपको इसकी दी है r है, ये चीज़ें आपको बता रखी। अच्छा ये आपको बताया, तो आपको निकालना है कितना इसके ऊपर होगा, इसका वजह से विद्युत क्षेत्र होगा, इसका लैम्डा दिया है आपको, एल लैम्डा जो है एम है, लैम्डा जो है लैम्डा है, अब निकाल लेंगे हम लैम्डा का मान क्या आएगा, रेडियस हमें आर दे रखा है, ठीक है। अच्छा तो पहले लैम्डा पे चर्चा कर लेते हैं, लैम्डा कितना होगा इसका, लैम्डा इसका होगा एम बटे टू पाई आर, ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ,
ठीक है, एम इसका जो द्रव्यमान है वो इसके पूरे के पूरे इसके परिधि में फैला हुआ है बराबर रूप से, तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा जो है एम बटे टू पाई आर के बराबर है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा अगर भाग लेता हूँ इसका डीएल, और डीएल को मैं बोलता हूँ क्या कि डीएल जो है वो किसके बराबर होगा, ये एम बटे टू पाई आर लैम्डा इंटू डीएम के बराबर होगा। यहाँ पर डीएम जो होगा इसका डीएल का वो लैम्डा इंटू डीएल के बराबर होगा, जो कि एम बटे टू पाई आर इंटू डीएल हमारे पास आ जाए। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल अभी करेंगे। अच्छा, सिर्फ उस छोटे से डीएल की वजह से अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र आप बोलोगे कि वो यहां आएगा ऐसे, इस तरह से आएगा इस तरफ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बोल रहा हूं, कितना गुरुत्वीय क्षेत्र वो इस तरफ होगा, और उसका मान देख लेते हैं, उसका मान कितना होगा छोटे की वजह से, छोटे से डीएल की वजह से एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र यहां बनेगा, वो क्या होगा डी जी बराबर कितना होगा जी डीएम बटे ये दूरी का स्क्वायर, और ये दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर एक बटे दो। ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे आया, यहां आप देखोगे ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था आर, ये है आपका एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एक बटे दो पावर रूट में। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक बटे दो पावर में, ये हमें यहाँ से मिल गया है। तो अब देखते हैं हम इसको हल कैसे करेंगे। हम इसको हल कैसे कर सकते हैं, हमें खोलेंगे कि हमें निकालना है जी, कुल जी चाहिए हमें, तो हमें कुल जी जाने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा समाकलन। समाकलन करने से हमें देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, दो घटक आएंगे, एक तो डी जी कॉस थीटा, इधर डी जी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर आएगा डी जी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार का एक एलिमेंट नीचे भी होगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर, अगर नीचे भी होगा तो उसकी वजह से विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र कुछ इधर आएगा, और उसके भी दो घटक आएंगे डी जी साइन थीटा और डी जी कॉस थीटा। आप देखोगे डी जी साइन थीटा और डी जी साइन थीटा एक दूसरे को काट देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास डी जी कॉस थीटा और डी जी कॉस थीटा। तो हमारे पास जो आएगा जी, जी को हम बोलेंगे क्या होना, जी जी का जो मान आएगा वो होगा डी जी कॉस थीटा का समाकलन, डी जी कॉस थीटा का समाकलन। ठीक है, कहां से कहां तक, इस पूरी रिंग के लिए डी जी कॉस थीटा का हम समाकलन करेंगे। तो कर देते हैं हम डी जी कॉस थीटा का समाकलन। यहां पे हमारा डी जी का मान क्या है, डी जी का मान है मेरे पास जी डी एम बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात एक बटे दो। ठीक है, और कॉस थीटा आप रखना चाहो तो कॉस थीटा कितने यहां से आज क्या आएगा, एक्स बटे ये वाली लेंथ, ये वाली लंबाई, तो वो कितनी आ जाएगी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से जी कितना मिलेगा, समाकलन लगाना पड़ेगा हमें, जी डी एम एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर एक बटे दो, ये हमें मिल गया यहां से जी। ठीक है, अगर यहां से हमें जी मिल गया तो हम लिख सकते हैं जी बराबर कैपिटल जी, मैंने बाहर निकाल लिया, डीएम अभी अंदर देता हूं, डीएम की जगह पे मैं क्या रख देता हूं, डीएम की जगह पे हम रखेंगे एम बटे टू पाई आर, तो एम बटे टू पाई आर हमने अंदर रख दिया इनटू डीएल, डीएल अभी भी अंदर ही है, एक एक्स भी है अंदर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात तीन बटे दो भी अंदर चल रहा है। ठीक है, इसमें से क्या क्या नियतांक है सबको बाहर निकाल लें, तो क्या क्या नियतांक है हमारे पास, यहां पर जी एक नियतांक है, एम एक नियतांक है, एक्स एक नियतांक है, 2 पाई आर में भी नियतांक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 ये भी एक नियतांक है। सिर्फ अंदर क्या बचेगा मेरे पास डीएल, सिर्फ अंदर क्या बचेगा डीएल, क्योंकि सिर्फ डीएल बदल रहा है, बाकी सब यहां पर नियतांक है। अब देखोगे यहां से x जो दूरी है वो x ही है, ठीक है, बदल तो नहीं, पी पॉइंट हम चला थोड़ी रहे, आगे पीछे थोड़ी कर रहे हैं ना, तो पी पॉइंट है, अगर पी पॉइंट जहां था वहीं है, उसी पर निकालना है, तो x दूरी पर है, त्रिज्या भी नहीं बदल सकती, सिर्फ हम क्या बदल रहे हैं, हमने यहां डीएल लिया था, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, तो सिर्फ डीएल का, सिर्फ डीएल जो है वो बदल रहा है, बाकी और कुछ नहीं बदल रहा है। तो डीएल का समाकलन क्या होगा आपके लिए, डीएल का समाकलन आपके लिए हो जाएगा इसका, इसकी परिधि, और वो किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर। तो ये देखो ये सब कुछ कट पिट जाएगा, यहां से आपका जी कितना बचने वाला है, जी एम एम बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बटे दो, ये आपके पास आ जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र इस वलय के कारण, इस वलय के कारण कितना गुरुत्वीय क्षेत्र यहां पर आ गया है, वो किसके बराबर जी एम एम बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात तीन बटे दो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वलय, ये क्या हुआ
वले, वले के अक्ष पर अगर किसी बिंदु पर रखा हो तो क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो। ये यही काम हमने किया था उसमें सिर्वैद्युतिकी में, वही काम यहां पर कर रहे हैं। तो डबल डबल काम करने से बेटर है हम फॉर्मूले देखते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है। एक मैंने आपको करा दिया है तो आपके आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वले की अगर केंद्र की बात करता हूं तो केंद्र पर कितना गुरुत्वीय क्षेत्र होगा आप बता सकते हो क्या? वले के केंद्र की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर देखते हो आप, तो आप देखोगे कि यहां पर अगर मैं केंद्र लेता हूं तो यहां पर ये, यह अगर छोटा सा यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं तो ये इसको अपनी तरफ यहां पर इस तरफ बल लगाएगा, वैसे ही यहां पर एक और ऐसा भाग होगा जो कि इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसे यहां पर हर भाग के लिए एक दूसरा भाग होगा जो कि इसको काटने की तैयार बैठा होगा। तो जो कुल यहां पर हमारे पास जी आ जाएगा वले के क्षेत्र पर, वो शून्य के बराबर आ जाएगा। कुल क्षेत्र, कुल जी जो होगा वले के क्षेत्र पर, वो शून्य के बराबर पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी बराबर जीरो हमारे पास आ गया। चलो आगे देखते हैं। अगर ये वले का केंद्र तो हमने बात कर ली, अगर वले का केंद्र है हमारे पास तो अर्धवले, अर्धवले छोड़ो, हम देखते हैं कि किसी भी वले का कोई भी भाग हो, ठीक है। छोटा सा मैंने भाग ले लिया है किसी वले का और मैं पूछता हूं कि आप इस बिंदु पर बता दो, इस बिंदु पर आप बता दो, ठीक है। तो क्या होगा, आप बोलोगे कि है ना, ये एंगल अगर मुझे पता चल जाए ना तो मैं बता सकता हूँ कि पहले मैं कर चुका हूँ। अगर ये पूरा एंगल 5/2 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल पूरा 2/5 है तो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो मान आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मान आता था इसका, वो क्या होता था, ई बराबर 2k लेमडा बटे आर साइन फाई, जहां पे एंगल फाई देख लेना, फाई आधा वाला एंगल है, पूरा वाला एंगल नहीं है। और जी का मान वहीं पे रखता हूं तो जी कितना आ जाएगा, 2k लेमडा बटे आर साइन फाई, के क्यों आएगा, जी आएगा। अच्छा, अभी हमने जो छड़ की बात की वहां पर भी के ही के रख दिया सबके, उसको आप बदल लेना, जी कर लेना उसको, ठीक है। 2g लेमडा बटे आर साइन फाई, 2g लेमडा बटे आर साइन फाई, छड़ का आपके पास आएगा, लिख ही देता हूं मैं, गड़बड़ हो गई ना उसके अंदर, ठीक है। छड़ का आपके पास आएगा यहां पर 2g लेमडा बटे आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और यहां आएगा 2g लेमडा 2 नहीं आएगा, जी लेमडा बटे आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो जल्दी से, पीछे जाके करेक्ट कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, वले की बात हमने करी थी, अगर यहां पर लेमडा होता क्यू बटे एल तो ये फॉर्म लगाते, और लेमडा होता जी एम बटे एल तो वो फॉर्म लगाते, ठीक है। अब माइनस जी, मैंने आपको बताया था के की जगह पे आप माइनस जी रखो, माइनस जी जब आप यहां पे रखते हो ना के की जगह पर, तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस 2g लेमडा बटे आर साइन फाई यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा इधर आएगी, ठीक है। सीधे सीधे आपको डायरेक्शन के साथ मिल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था आप के को किससे रिप्लेस करो, के को आप रिप्लेस करो माइनस जी से, के को आप किससे रिप्लेस करो, माइनस जी से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमने बना लिया, इसका भी फॉर्मूला हमें आता था तो हमने बस इसको याद कर लिया, अच्छा याद कर लिया तो हमारे काम आएगा, ये क्वेश्चन बनाते जाएंगे हम, इसको करते जाएंगे। अच्छा, ये हो गए हमारे वले का कोई भी अगर टुकड़ा ले लिया मैंने तो इतना होगा। अर्धवले की बात करें तो अर्धवले में कितना आता है, अर्धवले में आप एंगल कितना रख दोगे, 2g लेमडा बटे आर साइन 90, यही आता भी है अर्धवले की वजह से, 2g लेमडा बटे आर, ठीक है। ऐसे बनेगा अर्धवले, यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर इधर आएगा 2g लेमडा बटे आर साइन, ये 180 है, 180 का आधा 90, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे आपको सवाल पूछ सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चकती की। चकती पे भी आपने किया था, चकती के वैसे कितना आता है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं हम। ई जो आता था उसका मान क्या था, बोलो मेरे साथ साथ, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर 1/x माइनस 1/x² प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता था, इसको मैं बताना चाहता हूँ गुरुत्वीय के लिए, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए। तो जी क्या लिखूंगा, जी बराबर जी माइनस जी एम एक्स बटे आर स्क्वायर 1/x माइनस 1/√x² प्लस आर स्क्वायर, बस हो गई बात खत्म,
सिंपल सी बात, ठीक है, यही फॉर्मूला आने वाला है। अगर इनफाइनाइट शीट की हम बात करते हैं, एक हमने बात किया था कि अनंत हमारे पास अगर पट्टिका हो उसकी वजह से क्या विद्युत क्षेत्र होता है, तो आपने बताया था कि उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होता है वो ई बराबर सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, ठीक है, किसी पट्टिका की वजह से ई बराबर सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि पट्टिका की वजह से, कोई पट्टिका है आपके पास, इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से अगर विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कितना आएगा, उसका मान होगा जी बराबर सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब भैया सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है यहाँ पे कि इस पट्टिका के ऊपर जो जो द्रव्यमान है वो किस प्रकार से रखा है, एम बटे ए, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। अच्छा ठीक है, अभी एप्सिलॉन नॉट आ रहा है भैया, एप्सिलॉन नॉट तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट को क्या करें हम, एप्सिलॉन नॉट क्या रखें, अब देखो आप यहां पर एक बटे चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसके बराबर होता है, के के बराबर, तो यहां से एक बटे एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आएगा, चार पाई के बराबर। अच्छा मैं हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, एक बटे चार एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे, माइनस चार पाई जी, ठीक है हो गया काम हमारा। तो जी कितना आ जाएगा, यहां से हटा दो इसको, माइनस चार पाई जी सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन नॉट, जी कितना आ गया, माइनस दो पाई जी सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ गया, एप्सिलॉन हटाओ, ठीक है, माइनस दो पाई जी सिग्मा, ये आ गया आपके अनंत पट्टिका की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र है, वो आवेश गुरुत्वीय क्षेत्र रहेगा, ये हो गया पट्टिका की वजह से, हमने चक्ति की वजह से किया था, क्या लिखा था, ये बटा के क्यू एक्स, के क्यू एक्स टू के क्यू एक्स, यहाँ पर भी टू आएगा, टू के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर वन बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट का रूट, और नीचे टू माइनस टू जी एम एक्स आर स्क्वायर वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया था भैया सिग्मा बटे दो, ये हमने कर दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, बात करते हैं किसकी, गोले की, कौन से गोले की, खोखले गोले की, ठीक है, खोखले गोले की बात करेंगे। खोखले गोले में क्या होता है कि अंदर की तरफ हम देखते हैं, जब खोखले गोले के अंदर जाके बैठ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, ठीक है, हमें क्या पता चलता है, विद्युत क्षेत्र कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कैसे बात करते हैं हम बोलते हैं कि ये हमारा खोखला गोला है, यहां पर हम ई की बात कर लेते हैं, उधर हम जी की बात कर लेंगे, ये खोखला गोला, ठीक है, अच्छा टॉपिक डाल लेना आप खोखला गोला, अच्छा इसकी बात करते हैं, इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं आर, आर से चली लेते हैं, जब हम इसके अंदर होते हैं, खोखले गोले के अंदर होते हैं, तो हमें पता है कि ई बराबर का, ई का मान आता है शून्य के बराबर, बहुत अच्छी बात है, अगर शून्य के बराबर हमारे इसका मान आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हम इसको याद रखना चाहिए कि ई बराबर शून्य के बराबर आता है, ठीक है। जब हम इसके बाहर चले जाते हैं, जब हम इसके गोले के बाहर होते हैं, तो इसका जो मान आता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान आता है वो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहां पर आर तो क्या है, इसके केंद्र से दूरी है, ठीक है, इसके केंद्र से दूरी है, और क्यू क्या है, इसके ऊपर कुल आवेश है, क्यू क्या है, इसके ऊपर कुल आवेश है, ठीक है। इसकी सतह की बात करते हैं तो सतह पर कितना आ जाता है, सतह पर आ जाता है के क्यू बटे छोटा आर, बड़ा आर का स्क्वायर, ठीक है, तो इस सतह पर इतना आ जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो बना लो भाई ग्राफ, ठीक है, यहां से यहां तक तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो ये जीरो है भैया, जीरो की लाइन चला दो, ये ई और एक्स का ग्राफ है, ई और एक्स मतलब दूरी, दूरी के साथ ई का ग्राफ है, यहाँ तो जीरो की लाइन पे चला दो, ठीक है। फिर एकदम से के क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया, और फिर घटने लगा, 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 इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोला, इस तरह से ग्राफ बन गया हमारा, अच्छा ग्राफ बन गया, तो ये किसके साथ था ग्राफ, यहाँ पर ई था इस तरफ और यहाँ पर एक्स था। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, जी की बात कर लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या बोलेगा, वही हमारा खोखला गोला, खोखला गोला ले लिया हमने, तो खोखले गोले के अंदर जी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, बाहर क्या आना चाहिए, बाहर क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए आपका, अगर आर दूरी की बात कर रहे हैं तो आपके पास आना चाहिए जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा आर जो कि छोटा आर जो कि दूरी है, और सतह की बात कर रहे हैं कि सतह में कितना होगा, तो जी एम बटे आर स्क्वायर होगा। इसका भी ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो क्या आएगा, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, कभी ग्राफ खींच लो, क्या आएगा इसका ग्राफ, यहां तो शून्य है बिल्कुल, अंदर तो कोई क्षेत्र है ही नहीं, ठीक है, तो अंदर वाला क्षेत्र शून्य हो गया और बाहर वाला क्षेत्र इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा जी और एक्स के बीच ग्राफ बन जाएगा, ये जी और एक्स के बीच हमने ग्राफ बना दिया,
छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द्रुविद्युतिकी में, वही चीज मैं आपको यहाँ पर ग्रेविटेशन में अभी सिखा रहा हूं। तो उसमें कुछ घर बनने वाली कोई चीज है ही नहीं, कुछ नया मैंने आपको आज सिखाया ही नहीं, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बस बताया के को के की जगह पर रख दो माइनस जी और क्यू की जगह पर रख दो ए, बस खत्म बात। ठीक है, काम आपका हो गया। अच्छा चलो भाई आगे देखते हैं। अच्छा ये तो क्या हुआ, खोखला गोला हो गया, खोखले गोले में ऐसे काम होते हैं भैया। ठीक है, अब बात कर लो ठोस गोले की। ठोस गोले की बात कर लो, ठोस गोला, ठोस गोला कौन सा हुआ, हमारी पृथ्वी ठोस गोला है, जितने भी ग्रह हैं वो सारे ठोस गोले हैं। ठीक है, तो ये सब ठोस गोले हैं। पृथ्वी हमारे पास, हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण लगाती है नहीं लगाती है, या हम अभी उछलू में हवा में और हवा ही में रह जाऊं, ऐसा होता है कभी क्या आप उछले हो कभी और किसी दिन हवा ही में रुक गए हो। ठीक है सर, मन तो बहुत करता है लेकिन कभी हो नहीं पाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा अच्छी बात है क्या नहीं हो पाता है, तो पता चला कि आप नीचे ही नहीं आ पा रहे हो भाई, हवा में उड़े जा रहे हो। ठीक है, गोला हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको अच्छे से बनाते हैं पहले। चलो ये गोला है हमारा, कौन सा ठोस गोला, इसके अंदर सब जगह पर द्रव्यमान है, अंदर सब जगह पर इसमें द्रव्यमान 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 है। ठीक है, कुछ न कुछ हमने उसको कर दिया है। अच्छा, अगर द्रव्यमान अंदर इसके है तो अब क्या बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र की हम भाई बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र आप अंदर देखते थे कितना होता था, रो आर बटे तीन एप्सिलॉन नॉट आता था, हमेशा ही आता था कि नहीं आता था, बिल्कुल आता था, या फिर हम इसको किस रूप में लिख पाते थे, के क्यू आर बटे आर क्यूब, के क्यू आर बटे आर क्यूब, जहां पे छोटा आर तो दूरी है, ठीक है, केंद्र से, केंद्र से दूरी है, मान लो केंद्र से इस बिंदु पे मैं बात कर रहा हूं, तो ये छोटी आर तो ये दूरी हो गई, और बड़ा आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, केंद्र में किसी बिंदु से बात कर रहे हो, और अगर इसके सतह पर देखते हैं हम तो कितना आता था, इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र आता था वो होता था के क्यू बटे आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, और आर दूरी पर हम चले जाते थे, अगर आर दूरी पर हम चले जाते थे तो कितना आता था, के क्यू बटे आर स्क्वायर। बाहर तो कोई टेंशन ही नहीं थी हमें, बाहर तो हमने कोई कभी कोई टेंशन ली ही नहीं थी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर पहले बढ़ रहा है, क्योंकि आर पे निर्भर कर रहा है, ऊपर है आ रहा है, तो अंदर पहले बढ़ रहा है। ठीक है, के क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर हो रहा है और फिर घट रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ठोस गोला, ठोस गोले में गुरुत्वीय क्षेत्र की, गुरुत्वीय क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, देख लो, अंदर जी की बात करता हूं तो किसके बराबर आएगा, जी एम आर बटे आर क्यू, ये आना चाहिए। सिर्फ हमने क्या किया है, के की जगह पर जी रख दिया है और क्यू की जगह पर एम रख दिया है। ठीक है, अंदर वाले किसी भी क्षेत्र पर ये, किसी बिंदु पर ये आएगा। अगर सतह की बात करता हूं तो कितना आएगा, जी एम बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और किसी बिंदु आर पे बात करता हूं तो कितना आएगा, जी एम बटे छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया है। अगर ये मिल गया है तो हम क्या बात करेंगे आगे, क्या बात कर रहे हो आप, कह रहे हो कि इस तरह इसका ग्राफ बन जाएगा कि यहां अंदर तो बढ़ेगा पहले, ठीक है, त्रिज्या तक, और फिर ये घटना शुरू होगा इस प्रकार आगे तक, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जी और एक्स का ग्राफ है, ई और एक्स का ग्राफ। तो आज हमने स्थिर विद्युत को भी रिवाइज कर लिया और साथ साथ हमने ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा एक काम मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये करना है, अभी आपको ये क्या करना है, ये ठोस गोला जो हमने लिया है ना, ये ठोस गोला का आपको प्रूफ करके देखना है। मतलब बाहर वाला तो आप आसानी से, आपको पता है कि इसको आपने बिंदुवत आवेश मान लिया, एक केंद्र पर रख दिया, वो मान लिया, वो कर लिया आपने, वैसा कर लेते हो आप। लेकिन अंदर जो ये निकाला था, जी एम आर बटे आर क्यू, ये आपको खुद से निकाल के देखना। अगली क्लास में शुरू करूंगा, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर, तो यहीं से शुरू करूंगा, इसी का डेरिवेशन हम स्टार्ट पहले करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे, आज हमने किसके फॉर्मूले देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र के हमने फॉर्मूले देखे। अब विद्युत विभव और गुरुत्वीय विभव के हम फॉर्मूले अगले क्लास देखने वाले हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास में मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू।